हाय फ्रेंड्स, जो हमारा आज का वीडियो है वो हम आटे का डो बना रहे हैं। ये आटा गूंदना बताना है क्योंकि बहुत से लोग जो बैचलर्स हैं वो बाहर रहते हैं और उन्हें आटा गूंदने में बहुत प्रॉब्लम होती है क्योंकि राइस बड़ी इजीली बन जाते हैं पर पहले हमें चपाती बनाने के लिए आटा गूंदना होता है। तो जो बैचलर लोग हैं उन्हें आटा गूंदने में पानी कम ज़्यादा रह जाता है। तो आज मैं आपको बताऊँगी कि आप किस तरह से आटे को अच्छे से गूंद सकते हैं जिससे चपाती बहुत अच्छी बनती है। तो हम इस आटे को गूंदना शुरू करते हैं। हमने आटा ले लिया है, इसको हमने स्ट्रेनर से अच्छे से छान लिया है। उसके बाद हमने ये वाटर लिया है। वाटर को हम इसमें पहले हम थोड़ा थोड़ा वाटर ऐड, ये मैंने 2 से 3 बॉल्स मैंने आटा लिया है, उसके बाद मैंने 2 बॉल्स इसमें वाटर ले लिया है। वाटर की क्वांटिटी कम या ज़्यादा वो आप देख के थोड़ा थोड़ा डालें जिससे आटा पतला ना हो। अभी हम इसको गूंदने का प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। तो हमको ऐसे धीरे धीरे से मिक्स करना है, ये धीरे धीरे इसको ऐसे मिक्स करेंगे। जब ये थोड़ा मिक्स हो जाए तो इसमें हम थोड़ा वाटर और ऐड करेंगे। ये ऐसे स्लोली स्लोली हम गूंदना है। अगर आप इस तरीके से आटा गूंदेंगे तो आपको आटा गूंदने में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये ऐसे करना है हमें। उसके बाद ये इसमें अभी 2 बॉल्स वाटर अभी पूरा लगा भी नहीं है, तो आप उसी हिसाब से वाटर इसमें डाल के कर धीरे धीरे वाटर को थोड़ा थोड़ा ऐड करना है। आप थोड़ा थोड़ा ऐड करेंगे तो उसमें आपको गूंदने में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप चाहे तो एक हैंड से कर सकते हैं, आप चाहे तो दोनों हैंड यूज़ कर सकते हैं। तो ये हम इसमें थोड़ा थोड़ा वाटर लगाते रहेंगे जिससे वो चिपके नहीं। इतना भी मत लगाइए कि वो, उसे हमें हल्के हाथों से ऐसे ऐसे प्रेस करना है। ये हमें आटा गूंदने में 3 से 5 मिनट्स का टाइम लगेगा। ऐसे हमें नीचे थोड़ा वाटर लगाना है और उसके बाद इसको ऐसे प्रेस करके, इतना हार्डली भी प्रेस नहीं करना है पर करना है जिससे ये थोड़ा सॉफ्ट हो जाए, रोटी बनाने लायक बन जाए। ये देखिए, ये बिल्कुल भी चिपक नहीं रहा है क्योंकि जो लड़के लोग होते हैं उनको आटा गूंदना नहीं आता। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि पानी ज़्यादा डाल देते हैं और बाद में देखते हैं कि रोटियाँ अच्छी नहीं बन रही हैं। तो अगर आप इस तरीके से आटा गूंदेंगे तो आपकी रोटी भी अच्छी बनेगी और आटा तो अच्छा गूंदेगा। तो ये देखिए, 2 मिनट्स ही हुए होंगे अब तक, ये अच्छे से गूंद गया है। 5 मिनट्स तो लगे भी नहीं है। ये आटा के रेडी हो गया है। अब ये रोटी बनाने के लिए एकदम तैयार है, एकदम सॉफ्ट हो गया है। आप ऐसे प्रेस करके देखेंगे तो आपको लगेगा पूरा सॉफ्ट हो गया है। तो अगर आपको ऐसे ही आटा गूंदना है और आपको प्रॉब्लम होती है तो मेरी ये वीडियो ज़रूर देखिएगा और शेयर एंड सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिएगा। अगर आपका कोई कमेंट हो तो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको जवाब ज़रूर दूँगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।